नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आप ही की रिक्वेस्ट पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं म्यूटेंट मास गेनर छोटू पैकिंग और डायमेटाइज सुपर मास गेनर छोटू पैकिंग को। दोस्तों आज इन दोनों की छोटी पैकिंग को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो आप ही की रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे। हम जानेंगे क्या है इसमें बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। दोस्तों ये है मास गेनर। मास गेनर मतलब एक कंप्लीट मील जिसमें आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सारी चीजें मिलती हैं। ना सिर्फ वजन बढ़ाएंगे बल्कि मसल साइज भी गेन करेंगे। कंप्लीट बॉडी ग्रोथ के लिए, जिसे तगड़ा होना है, वजन भी बढ़ाना है, मसल साइज भी बढ़ानी है, उसके लिए बेस्ट है। स्किनी बॉडी वालों के लिए जो है मास गेनर्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर म्यूटेंट और डायमेटाइज दोनों ही वेल नोन है और बहुत पॉपुलर मास गेनर्स हैं। यहाँ पर दोस्तों एक डिफरेंस है इसमें कि जो म्यूटेंट है वो है आपका 5 LBS और जो डायमेटाइज है वो है आपका 6 LBS। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेंट मास गेनर की। दोस्तों म्यूटेंट मास गेनर की अगर हम बात करें तो इसमें बताया हुआ है कि इसकी जो सर्विंग साइज है वो 2 स्कूप की, मतलब 140 ग्राम। और यहाँ पर आपको 2 स्कूप 140 ग्राम में क्या क्या मिलने वाला है। इसमें मिलने वाली है कैलोरीज आपको 550, फैट मिलेगा 6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर 96 ग्राम। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको प्रोटीन मिलने वाला है 28 ग्राम। तो प्रोटीन क्वांटिटी आप देख रहे हैं काफी ज्यादा दी हुई है, मतलब 28 ग्राम प्रोटीन। यार वे प्रोटीन में भी जो सप्लीमेंटेशन आते हैं उसमें भी 28 ग्राम वाले वे प्रोटीन को जो है ना हाई प्रोटीन वाला बहुत अच्छा सप्लीमेंट समझते हैं हम। तो यहां पर मास गेनर में आपको दी हुई है 28 ग्राम की, बट 140 ग्राम की सर्विंग में। यार एज ए मास गेनर ये भी ज्यादा है। तो दोस्तों म्यूटेंट मास गेनर हाई प्रोटीन मास गेनर्स में से एक है। तो अगर आपको ये है कि मसल साइज पे फोकस बढ़िया रहना चाहिए, आपका मसल साइज भी आना चाहिए, वजन तो बढ़ना ही चाहिए क्योंकि मास गेनर है तो यार वजन बढ़ाने के लिए लिया जाता है वो, बट मसल साइज भी अच्छा चाहिए, तो आप नो डाउट म्यूटेंट मास गेनर को ही चूज करेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा इसके प्राइस की बात करते हैं तो ब्राइट कम्युनिटीज ऑथराइज इंपोर्टर है जिन्होंने MRP तो दिया हुआ है इसका 3799 रुपए, बट दोस्तों सप्लीमेंट विला पर इसका सेलिंग प्राइस है 2900, 2900 रुपए में आपको हाई प्रोटीन मास गेनर म्यूटेंट 5 LBS पैकिंग मिलेगा सप्लीमेंट विला से। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो कहते हैं भैया मास गेनर्स में प्रोटीन कम होता है इसलिए मसल साइज तो आता ही नहीं है, वजन ही वजन बढ़ता रहता है। तो ये आ गया आपके पास म्यूटेंट मास गेनर छोटी पैकिंग में, यार 3000 से कम की रेंज में हाई प्रोटीन मास गेनर। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि डायमेटाइज जो है क्या कह रहा है हमें। डायमेटाइज सुपर मास गेनर को दोस्तों आप बल्क मास गेनर कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो सर्विंग साइज है 2.5 कप्स, मतलब 336 ग्राम। जी हां दोस्तों 336 ग्राम की सर्विंग है, बट इतनी सर्विंग स्टार्टिंग में नहीं लेनी है, चाहे आप म्यूटेंट लें या डायमेटाइज लें। स्टार्टिंग में आप इसकी जो है 1 स्कूप ही लें, साथ में बनाना ब्राउन ब्रेड दूध में लें इसे, ताकि अच्छे रिजल्ट मिल सके आपको और मिनिमम यूज करते हुए मैक्सिमम लाभ उठा सके। अब दोस्तों अगर हम यहां देखें 2.5 स्कूप में 336 ग्राम की सर्विंग में हमको कैलोरीज मिल रही है 1280, टोटल फैट सिर्फ 11 ग्राम, यहां पर कार्बोहाइड्रेट 245 ग्राम। इसीलिए मैंने इसको बल्क मास गेनर कहा है क्योंकि वजन बहुत अच्छा खासा बढ़ाएगा ये। प्रोटीन है यहां पर 52 ग्राम, 336 ग्राम में 52 ग्राम है। तो इसके अलावा यहां पर विटामिन ए सी डी ई, इसमें आपको नियासिन, विटामिन B6, B12, आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया है। तो दोस्तों यहां पर जो आप मेजर डिफरेंस देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन रेशियो का ही है, कि प्रोटीन जो है हमको यहां पर ज्यादा मिल रहा है पर डायमेटाइज में कम मिल रहा है, बट यहां कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं अगर आपका वेट है ना अंडर 50, 49, 46 ऐसे टाइप में है तो आप डायमेटाइज सुपर मास गेनर लें, क्योंकि उस वाली कंडीशन में हमको वजन बढ़ाना प्रायोरिटी रहता है। बट अगर आपका वेट ठीक ठाक है 55 क्रॉस करता है तो मेरे हिसाब से म्यूटेंट भी आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि मसल साइज जो है आएगा अच्छा, प्लस में थोड़ा थोड़ा वेट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम यहाँ डायमेटाइज सुपर मास गेनर की प्राइस की बात करें तो GMC ऑथराइज इंपोर्टर है इसके, जिन्होंने MRP दिया हुआ है 3899, बट सप्लीमेंट मिला पर सेलिंग प्राइस है 3350 रुपए 6 LBS पैकिंग का। जी हाँ दोस्तों ये चीज ध्यान रखेंगे कि पैकिंग का यहाँ पर डिफरेंस है। तो अब आपको थोड़ा समझ आ ही गया होगा कि कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, कौन सा किस लिए लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वीडियोस का जो गोल है वो यही है कि आपकी कंफ्यूजन दूर कर सके। दोस्तों अगर आपको दोनों ही खरीदने हैं, दोनों में से कोई एक लेना है, पसंद करा है जिसे आपने,
उसके लिए आप जो है सप्लीमेंट विला पर ऑर्डर डाल सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट विला दी बेस्ट ऑप्शन है यार, हमेशा ही ओरिजिनल विजीएसटी बिल करंट प्रोडक्ट फ्रेश स्टॉक के साथ सप्लीमेंट मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।